हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में हम LIC एग्जाम जैसे LIC AO और ADO और NICL और IRDA एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर रखता है तो आंसर कमेंट बॉक्स ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जब प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण बीमा पॉलिसी के सभी लाभ समाप्त हो जाते हैं तो पॉलिसी को डैश कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यपगत। देखिए, ऐसी स्थिति को में पॉलिसी को व्यपगत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राशि है जो पॉलिसी धारक को बीमा कंपनी से प्राप्त होगी यदि वह परिपक्वता से पहले पॉलिसी से बाहर निकलता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, समर्पण मूल्य। देखिए, समर्पण मूल्य वह राशि है जो पॉलिसी धारक को बीमा से प्राप्त होगी यदि वह परिपक्वता से पहले पॉलिसी से बाहर निकलता है लेकिन पूरे 3 साल वर्षों के लिए प्रीमियम का भुगतान करने के बाद। इसलिए यदि किसी व्यक्ति ने 3 साल के लिए प्रीमियम का भुगतान किया है तो वह पॉलिसी से बाहर निकल जा सकता है और अनुपातिक रूप से धन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पॉलिसी धारक 3 साल के बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर देता है लेकिन अपनी पॉलिसी से पैसा नहीं निकालता है तो पॉलिसी को डैश कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भुगतान यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसी के मामले में शुद्ध प्रीमियम होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जोखिम प्रीमियम का से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा अनुबंध सिर्फ इसलिए वैध है क्योंकि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह एक शर्त अनुबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बीमा को दिया गया नाम है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, पुनर्बीमा को दिया गया एक नाम है, एक बीमाकर्ता दूसरे बीमाकर्ता के साथ बीमाकृत रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा पॉलिसी के तहत दावा कब उत्पन्न होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जब बीमित घटनाएं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु का दावा करने से पहले सत्यापित करने के लिए क्या आवश्यक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देखिए, मृत्यु का दावा करने से पहले सत्यापित करने के लिए आवश्यक होता है डेथ प्रूफ और प्रारंभ से भुगतान किए गए सभी प्रीमियम की रसीदें और एनिमेंट या दुर्घटना लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में एजेंट की मदद सबसे पहले उपयोगी है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौत का दावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति बीमा एजेंट है क्योंकि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसकी सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सहकारी समितियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि बीमा के मामले में आग से होने वाले हानि से आप क्या समझते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आकस्मिक आग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो कार्गो हल या माल का बीमा करने के लिए सहमत होता है कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्यवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो जीवन बीमा पर व्यक्तिगत सलाह के व्यवसाय में है उसे होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक पंजीकृत वित्तीय सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बीमाकर्ता के दावा प्रतिनिधियों में शामिल नहीं हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सार्वजनिक दावा समायोजक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसी धारक के लिए अतिरिक्त राशि का न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित किया जाना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोनस संभव हो जाता है क्योंकि। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देखिए, एक बोनस संभव हो जाता है क्योंकि वास्तविक अनुभव अपेक्षाओं से बेहतर है और प्रीमियम में बोनस के लिए लोड हो रहा है और प्रीमियम रूढ़िवादी के निर्माण में की गई धारणाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा अनुबंध एक प्रकार का अनुबंध है जिसे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बीमा निगम की स्थापना वर्ष के दौरान हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1972 में। देखिए, सामान्य बीमा निगम की स्थापना की गई थी 1972 में। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।